أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

सुबहानल् औरज़बिल् रजीम बसमल रम्मा रहीम शुरू अल्लाह के नाम से उस पाक परवरदगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है जितने भी यहाँ पर हाजरीन मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बड़ी रात की बरकत से बहुत बड़ी तादाद में हाजरीन मौजूद हैं मेरी जितनी बहनें जितनी माएँ जितने बुज़ुर्ग मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं आप तमाम ही लोगों को हमारी इस पूरी टीम की जानब से असलकम वरम्त ला नाजिर कर हम बहुत खुशकस्मत हैं पहले तो इसलिए खुशकस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया हम बहुत सारी नेमतों को भूल जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है तो हमने ऐसा क्या किया लेकिन हमें फिर भी एक मुसलमान घराने में पैदा किया सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें ये दी उसके बाद हमारी ज़िंदियाँ नेमतों से भर दी चाहे हम देख रहे हों सुन रहे हों कुछ समझने की ताकत रखते हों ये सारी बहुत बड़ी नेमतें हैं फिर एक और बहुत बड़ी नेमत जिससे अभी हम गुज़र रहे हैं और वो है मुबारक। हमें एक और माह मुबारक हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें और ख़ुद को बख्शवा सकें और फिर इतनी बड़ी नेमत कि हमें इस आखिरी अशरे में एक के बाद एक ताक दी गई ताकि वो जो पोशीदा एक हमत है कि शब कदर कौन सी होगी हम इसी उम्मीद के साथ और खलूस नीयत के साथ हर ताकरत में दिल से इबादत करें इसगफ़ार करें तोबा करें और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें आज की ये रात और जिसे मुमकिन तौर पर सत्ताईसवीं के शब को कहा जाता है कि शब कदर होगी हम तो हर ताकरत में इसी उम्मीद से महफ़िल सजा कर बैठे और जिक्र अस्कार किया आज एक खसूसी महफ़िल सजाई गई है आप तमाम लोगों के लिए और जितने मेरे नाजरीन मेरी माए बहनें बुजुर्ग मुझे टी वी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी पूरी टीम को देख रहे हैं उनके लिए खसूस महफिल सजाई गई है इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन सबसे पहले जजाकल्ला कारी ज़ैन अलाब्दीन साहब कारी हसीब खान साहब अवतार में कारी हसीब खान साहब हमारी नशरियात का हिस्सा होते हैं कारी ज़ैनलाबद्दीन साहब सहर नशरियात में आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से और आज दोनों ने मिलकर जिस खूबसूरती से तिलावत कलाम रहमान पेश की है जजाकल्ला आप दोनों को इसके बाद हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है उनसे आपका तारुफ़ करवा दें फ़सीुद्दीन सोहरबड्डी साहब मारूफ सना खान है आलमगीर शहरत याफ़्ता सना खुआ है हमारे साथ मौजूद हैं इमरान शेख तारी भाई यहाँ पर मौजूद है इमरान भाई असल वरह फ़सी भाई असल हमारी अफ्तार और सहर नश्रियात में मौजूद होते हैं मारूफ़ सना ख़्वाान और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है फरहान अली वारिस यहाँ पर मौजूद हैं इसके अलावा तारक अहमद शाजली साहब और मुझे यकीन है कि आज तो जितनी खवातन बैठी हैं और जो ट्रांसमिशन देख रही हैं बहुत सारे सवाल दिल में लेकर आई होंगी जो तारिक अहमद शाज़ली साहब से आपने पूछने होंगे तो शेख़ तारिक अहमद शाज़ली साहब हमारे साथ मौजूद हैं हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना इमरान बशीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं खूबसूरत गुफ्तु करते हैं धीमे लहजे में गुफगु करते हैं और जो बात कहते हैं बड़ी असर रखती है और इन बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जिन पर वो बड़े आसान अल्फाज में हमारी रहनुमाई करेंगे और इसके साथ ही मोहम्मद असद अयूब भाई बैठे हैं मरूफ नाथान हैं सना ख़्वान है असद भाई असलकुम और आपको भी इस टीम में खुश आमदीद कहते हैं तो बाकायदा आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें यहाँ एक बड़ी तादाद में हाज़रीन मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में नाजरीन हमें देख रहे हैं और आप यहाँ जो हाज़रीन बैठे हैं किसी कलाम की किसी भी नात या सना खान से गुजारिश हो आप मेरी टीम को बता सकते हैं और इन आज आपकी फरमाइशें जो ख्वाहिशें हैं वो भी शामिल करेंगे इस ट्रांसमिशन में क्योंकि ट्रांसमिशन आपकी ट्रांसमिशन है और जितने नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं आप भी अपनी फरमाइशें ख्वाहिशें और अब तो सना खुआ की ये टीम हमारी फ़ैमिली और बड़ी हो गई है अलहमद लासान खुर्शीद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज ने यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं असद मदनी भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पहली ट्रांसमिशन भी, भी हिस्सा रहे और जिन लोगों ने इन्हें सुना जो तारीफ़ी मैसेजेज़ आएँ इन लिए माशा माशा तो नाजरीन कराम ये महफ़िल इसी तरह से जारी और लेकिन अब हम मौलाना साहब से बात करेंगे आज की रात की फजीलत अहमियत के बारे में मौलाना साहब सत्ताईसवीं शब को ही क्यों समझा जाता है बहुत ज्यादा वैसे तो ये पोशीदा हिकमत है कि कौन सी शब कदर है लेकिन कहा जाता है सत्ताईसवीं शब का जो एक बात है बड़ी अलग एक रूहानी एक कैफियत आती है इसमें और यह शब कदर है क्यों इसे ये समझा जाता है शब क़दर के बारे में नबी करीम सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया कि लई लतमनकाम कदरी ईमान वाहति साबा गफी लहू मा तकद्दमज़म भी पहले मैं शब कदर के बारे में थोड़ी फजीलत और अहमियत अर्ज करता चला जाऊँ कि जो इंसान भी इसमें थोड़ी देर के लिए रब की तरफ रुजू कर ले किसी भी हाल में अल्लाह जल्ला जला उसके लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों खरबों गुनाहों को मुआफ़र वाह और रहा कि सतईसवीं की शब को तो बाज़ हमारे काबरीन की यह राय है कि सताईस ही की शब कदर होती है लेकिन जो महूर का जो फतवा है बहन उसमें यही है कि नबी करीम फरमाया कि इसको जितनी ताक़ रहते हैं पाँच ताक़ रातें उसमें इसको तलाश किया जाए इसको मखसूस कर देना ठीक नहीं है इसलिए कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की ये दिली तमन्ना थी कि मेरे उम्मती इन पांच रातों के अंदर रब के सामने अपनी इस को पेश करें सुभान अगर एक को मखसूस कर दिया जाता तो बकिया पांच रातें रह जाती पहले मखसूस था लेकिन बाद में इसको उठा लिया गया और फरमाया कि इन पांच रातों में इसको तलाश करो सुभान और ये बड़ी ही बाबरकत कोशिश है बैठे होंगे हम जिक्र अस्कार में मसरूफ रहेंगे कौन सी वो साथ हो कौन सी वो मोमेंट हो जिसमें जैसे इन्होंने कहा कनेक्शन बन जाए पहली जो खुशनसीब जिन्हें उम्र की टिकट मिल रही है फसी भाई ने उनका ये कार्ड निकाला और वो खुश नसीब हैं उनके कूपन का नंबर है आप सब चेक कर लीजिए ट्रिपल ज़ीरो सिक्स वन एट फाइव नौरीन उनका नाम है कौन है नौरीन मुबारक हो आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह माशाल्लाह पहली आव खातून माशाल्लाह सताईसी शब की हमने ख़ुसूसी महफिल सजाई हुई है आज दुआओं का इस्तार का वक्त है ये साते हैं लेकिन जब सिलसिला चल पड़ता है कोई एक भी ख्वाहिशमंद हो मदीने जाने का तो पूरी उम्मत ख्वाहिशमंद होती है मदीने जाने की और ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है दो खुश नसीबों को उम्रे के टिकट्स मिले हैं मजीद खुश नसीबों को उम्र के टिकट्स इन शह यहाँ पर दिए जाएंगे और मुफ्ती इमरान कल्याणी साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं मुफ्ती साहब असल वरूम आप तो हमारी सहर अफ्तार नशरियात में भी होते हैं और आज अलहदुल्ला इस ताक में भी आप साथ हैं ये एक रूटीन बन गई और बड़ी जबरदस्त रूटीन है जी जब ये महीना ख़त्म होगा ना बहुत दिन तक इसकी याद आएगी याद आएगी एक शेर जो ना मुझे बार बार जबान पे आता जी, है जी, जी। लोग तो शायरी अपनी वैसे दिन में कहते हैं। लेकिन मुझे जो ना वो हर चीज के दिन से भी रिलेट करती हुई है दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझ से बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता <laughs> तो, इसकी चाहत रमजान की हमें भी है कि भाई रमजान हमें चाहता है हम इसे चाहते हैं लेकिन इसके बिछड़ने का डर और एक खौफ एक मलाल जा रहा है कि ये रूटीन क्या होगा इस तरह कोई महबूब जुदा होता है ना इस तरह जब जुदा होता है बाकायदा रोना आता है

कि जिन जिन की दिल में बहुत ख्वाहिश है मैं नहीं जानती कौन है वो वो बस आज दुआ करते रहें कुछ नहीं पता कब आपकी दुआ कबूल हो जाए और आप उम्र की सदत हासिल कर सके इन इस महीने या बहुत जल्द असू भाई ये खातून बहुत रो रही थी मैं उनको वहाँ से देख कर आई हूँ तो मैं अगर इनसे बात कर सकूँ क्या हुआ आप क्यों रो रही हैं मैं कब से आपको देख रही थी मुझे लगा आप दुआएं मांग रही हैं आप क्यों रो रही हैं क्या हुआ है मदीने मदीने जाना है तो इतना रो रही है आप कब से रो रही है मैं आपको देख रही हूँ क्या नाम है आपका अच्छा, अच्छा बस चले आंसू साफ करें पहले आप आंसू साफ करें आप शादी शे कितने बच्चे आपके एक बेटी ये है।, है आपकी बेटी आप रो क्यों रही हैं आप तो इतने सारे लोगों को रुला रही हैं मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा मैंने ढूंढा कि कौन खातून है जितना रो रही हैं आपको बस मदीने जाना है इसलिए है चलें ठीक है हम आपको एक उम्र का टिकट देते हैं ठीक है बस अब आपने रोते हुए खुशी के आंसुओं से रोना है और हमारे लिए दुआ करनी है मुफ्ती साहब मुख्तरन ये जो लोग आज दुआएं कर रहे होंगे हम तो कहते हैं कबूलियत की घड़ी है जो लोग ये दुआ कर रहे होंगे कि वो उम्र पर चले जाएं और वो दुआएं भी कबूल हो रही हैं तो ये तो हमारी आंखों के सामने है माशा बेशक ये चंद कतरे जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गिरते अल्णा हैं उधर कबूल हो जाते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ से बुलावा आता है तो लम्हों में फैसले हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे ये मामला अल्लाह और उसके रसूल पाकलम का एक मोहब्बत से जुड़ा हुआ है इधर मोहब्बत से आपको याद किया और उधर से परवाने जारी हो जाते हैं मेरे को और से फिराक वा, 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 से बुलाओ बुलाओ उसको बर्दाश्त नहीं जल्दी माशाल्लाह आज हमने तीन अलहमदिल्ला टिकट्स जो है उम्रे की वो दे दी हैं और अब एक और गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानब से एक और खुश नसीब को ये टिकट मिलेगी इनशा आज इस ट्रांसमिशन में लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानब क्योंकि लाहौर और उसके मजाफात में कुछ ही देर में अजान फजर का वक्त हुआ चाहता है इस ब्रेक के दौरान जो हाज़रीन हैं कराची में क्योंकि कुछ अभी वक्त है तो हम यहाँ हाज़रीन भी तमाम मिलकर एक साथ आज इन शहरी करेंगे और इस ब्रेक के बाद इन हमारे साथ मजीद कराम भी यहाँ पर, मौज, मौ, पर मौजूद होंगे अलावा मुज़फ़र हुसैन शाह साहब यहाँ पर मौजूद होंगे जिन्हें आप सुन रहे हैं हर ताक रात पर वो खसूसी गुफ्तगु फरमाते हैं इन शाला आज वह खसूसी दुआ भी करवाएँगे सत्ताईसवीं शब की बाबरकत रात की ये महफ़िल वक्त जारी और सारी है आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग जो इस उम्मीद के साथ और ये दुआएं मांगते रहे इस पूरी रात में कि वो उमरे पर चले जाएं उस बाबरकत सरज़मीन पहुँच जाएँ इन तीन खुश नसीबों की दुआएं पूरी हुई तीन उम्र की टिकट्स यहाँ पर दी गई और एक और खुश नसीब को टिकट इन आज इसी मुबारक रात में दी जाएगी मैं खुश आहमदीद कहूँगी मारूफ आलमदीन है नामवर ख़तीब हैं सैद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह कादरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है अलामा साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया साहब आज हमने जब से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया हम बात कर रहे हैं और इससे पहले भी रातों में आपसे ही गुफ्तु की हमने तौब वार की अहमियत क्या होती है दुआओं के आदाब और उसकी अहमियत क्या होती है आज सत्ताईसवीं शब और बहुत लोग कहते हैं कि हो सकता है इसी में शब कदर हो हम आज गुफ्तगु कर रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जो पूरा माह गुज़र जाता है और फिर ये ताक रातें भी गुजर जाती हैं वो महरूम रह जाते हैं लामा साहब वो कौन से लोग हैं वखलुदतम्लिसफ़ कहुली <us> बहुत बुनियादी सवाल है कि हम सिर्फ उम्मीद के एक धारे पर बहते ना जाएँ बल्कि शरीत मतहरा केवज़ुन और मीज़ान को सामने रख कर अल्लाहमीन जल्ला वाला की दिए हुए जबते और खौफ को भी हम सामने रखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि ललित़द्र के बारे में कुरान करीम फुरक़ान हमीद की आयत गोया है कि ललित़द्र खैर उमिनफ शहर अरबी ज़बान में खैर अखियर होता है यानी एक अलिफ़ यहाँ से साखित है माना इसका ये है कि ये रात फजीलत और कमाल के अंदर हज़ार महीनों के बराबर नहीं बल्कि हज़ार महीनों से भी कई गुना ज़्यादा फजीलत और अजमत रखती है लेकिन मक़फ़िरत जो है हमारी वो हमारे माशरे और हमारे दगर हकूक़ के साथ जुड़ी हुई है जैसे तस्वीर का एक दाना पहले नंबर से लेकर 31 और तैंतीस दाना के साथ जुड़ा हुआ है और हर दाने की अपनी एक अहमियत है और वह मजमुआ एक तस्वीर और एक गुलदस्ता तैयार होता है तो आप इसको देख लीजिए कि माशरे के जो हकूक़ हैं अगर उसको हम पामाल करें और उसको जबरी तौर पर हम उसको जानते हुए हकूक की अदायगी ना करें और फिर चाहे हम बैतुल्ला का रुख करें या इस रात को गिड़गड़ाने का रुख करें तो अल्लाह रबुआमी जल्ला वाला की बारगाह में इस किस्म की इबादत कबूल नहीं कि ज़ाबते और बताए हुए तरीक़े के खिलाफ है अब आप देखें इस रात को कौन महरूम है बहुत अच्छी बात है इस बात पर गौर करना चाहिए ताकि हमारे अंदर खौफ पैदा हो और हमें उस संजीदगी आए कि ये भेड़ चाल नहीं कि बस चल पड़े चलना तो है सब लेकिन उस जबते के साथ उस सलीके के साथ कि जो अल्लाह जल्ला जला ने जब्ता बयान फरमाया है फरमा इस रात शराबी की मफफरत नहीं है इस रात बदकार शख्स की मफफरत नहीं है इस रात जो रिश्तेदारों के साथ कता करता है उसकी मफफरत नहीं अल्ला है। अकबर। इस रात चोहल खौर की मफफरत नहीं है इस रात मिलावट करने वाले की मफफरत नहीं है अब आप देखिए ये तमाम चीज़ें हमारे माशरे में और हम में सराहियत कर गई है तो हम इतनी जल्दबाजी दिखाकर इस रात को भी बर्बाद कर रहे हैं यानी कहने का मकसद यह है कि वो आदतें जिसके बगैर हमें इजाजत ही नहीं है कि हम कदम आगे बढ़ा सकें और वो हमारे सामने मौजूद हैं उन खराबियों को हम दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और इनाम वजर करके ये रात भी हम गोया कि ज़ाये ही कर रहे हैं चाहिए था कि उस तरतीब के साथ हम इसको बरूकार लाते हमारे माशरे में कहाँ मिलावट नहीं है कराची के अंदर इतनी गर्मी है कि लोग हैरान हैं और इस बात पर तबसरा हमारा यही होता है कितनी गर्मी थी कहने के सैंतीस तपिश कितनी थी कहने की फोर्टी थ्री कभी ये गौर किया ये क्यों थी खुदा ने करे आया जमीन हेली तो स्केल क्या था इसका सेवन पॉइंट थ्री ओ हो, हो। सिक्स पॉइंट थ्री सारा टाइम उस खबरों पर और माहिर अर्जियात की उस फलसे वो भी जरूरत है कि लिहाज से उस पर हम गुजार देते इसकी वजह क्या थी इसका रीजन क्या था क्यों यह जमीन हेली क्यों यह गर्मी की शिद्दत बढ़ी हदत शाम की कौम ऐसी थी

सखावत का महीना हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्दुल्ल इब्ने अब्बास कहते हैं कि हुजूर करीम तो जवाद हैं और सखी हैं लेकिन रमज़ान शरीफ में आपकी सखावत ऐसे हो जाती जैसे ठंडी हवाओं का झोंका होता था सरकार ने सलात वाम की सखावत और मेहरबानी को शफकत दी तो अब आप देखिए हर बंदा उस तरीक़ में हुजूर की मोहब्बत और तरीक़ में फयाजी दिखाना चाहता है रिश्तेदारों को आईजो अकारीद को गरीबों को उमूमन हमारे वहाँ रिवाज है कि राशन दिया जाए अब एक बंदा किसी दुकानदार के आगे खड़ा हुआ सब ऐसे नहीं है लेकिन इस्लाह के लिए बात की जा रही है

जो गरीब वहां से बोरा लेकर आई है वो शहरी के वक्त जब अपने बच्चों के लिए आटा गूँधे तो वो हैरान हो जाए कि ये मट्टी है या आटा है अब आप देखिए मैं क्योंकि इतना बड़ा चैनल है हम अपनी सलाह के लिए बात करना चाहते हैं ऐसी चीजें उसमें अक्सर रखी जाती हैं कि ना इस ब्रांड का हमने कभी शरबत देखा है ना हमने इस ब्रांड का और इस उनवान का कभी हमने नेट पर या कभी गुजरते हुए कभी किसी आम से खसीस मार्केट के अंदर भी हमने हमें

अल्लाह फरमाता तुम्हारी वो नेकी नेकी नहीं हो सकती जब तक तुम खुदा की राह में वो ना दो जो तुम्हें खुद अच्छा लगता हो तो इस चीज से हमें इबरत लेनी चाहिए मिलावट से इबरत लेनी चाहिए रिश्तेदारों के साथ कता करने से लेकिन मैं एक बात जुमला अर्ज करके बात खत्म करता हूं हमारे रिश्तेदारों रिष्टार, में भी दोनों से एक्सट्रीम है एक तो झुकना नहीं चाहता और अगर खुदा करे वो झुक जाता तो दूसरा कहता मैं तो माफी नहीं कर रहा जनाब जाइए आप चले जाइए तो हम अपना हक अदा करें और जो के के तो रवैयों में तब्दीली लाना असल में जरूरी है वरना हमारी भी खुदा ना खास्ता, खास्ता जया जाए सेगमेंट हमारा का नस्त उसका वक्त हुआ चाहता है जैसे हर शहरी में शेख तारिक शाजली साहब से हम सवाल पूछते हैं आज चूंकि हाजरीन यहाँ मौजूद है तो मौका है कि अगर आप लोगों के पास सवाल हैं तो हम पूछ लें मेरी कुछ यहाँ पर खवातीन मौजूद है जिनके पास सवाल हैं जी आंटी आपने क्या पूछना था शेख साहब से जी जी मेरा सवाल ये है कि मेरी वालदा को अर्कुनिसा का दर्द होता है ठीक है शेटिका का जी शैटिका का दर्द शेख साहब क्या इसके लिए रहीम इसके लिए सुरह फील इक्कीस मरतबा पढ़ के और उनके ऊपर दम करें और पानी पे दम करके उनको पिलाएं और एक दवा आती है माजून सुरन जान के नाम से आधी आधी चमची सुबह शाम उसको इस्तेमाल करें इन इससे निजात मिल जाएगी ठीक है जी आपका सवाल था पिंपल्स के लिए चेहरे पर पिंपल्स और अब तो ईद भी आ रही है तो खातन को इस वक्त है जी शेख साहब पिंपल के लिए यह है कि आप अगर कोई भी क्रीम इस्तेमाल करती हैं तो उस पर सूर्य व शमश इकतालीस बार पढ़ के दम कर में और उसको अपने इस्तेमाल में लें इन शाह चेहरे पर लगाएं चेहरा पुरकशिश हो जाएगा ये पिंपल ख़त्म हो जाएंगे इनशा भाई आपका सवाल था जी मेरी वालदा सा उनके कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है ठीक। जो, जोड़ों के दर्द के लिए यह है कि यासीन आयत था तेरासी रोजाना इक्कीस मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके उनको पिलाएँ थोड़े से रोकने जैतून पे दम करके उनकी मालिश करें अल्लाह को इनशा ही खत्म हो जाए इनशा इनशा भाई आपका औलाद के हवाले से औलाद के हवाले से।, से वो अफराज की दुआ करें शेख साहब औलाद के हवाले से यह है कि सूर्य इसरा की आयत नंबर 111 41 बार पढ़ के और एक सेब पे दम करके सुबह नहर मुँह मोहतरमा खाएँ तो कुछ दिनों ये अमल करें इन शाह तर और शेख साहब एक सवाल जो मैंने आपसे दो दिन पहले भी पूछा था और उसकी और बहुत ज़्यादा आया रिक्वेस्ट कि उसको मैं कर दूं एक बच्ची जिसने कहा था कि मैं चाहती हूँ मेरे जो वालदेन भी हैं और मेरे घर के और भी लोग वो नमाज की पाबंदी करें और इबादतों की पाबंदी करें तो उसके लिए आपने बताया था वो रिपीट कर दीजिए शेख साहब इसके लिए यह है कि रोज़ाना आयत नंबर इसकी सूर इसरा की आयत नंबर 110 और 111 110 और 111 मिलाकर पढ़ें ग्यारह मरतबा रोजाना किसी पानी पे दम करके और जग में डाल के अपने इफ्तारी के टाइम पे रख लिया करें अच्छा, वो सब पिए और अगर रमजान के बाद ये अमल करें तो थोड़ी सी चीनी पे दम करके चीनी के डब्बे में डाल अच्छा, दें सारे घर करें है। तो कुछ दिनों में इंशाल्लाह तबीयत जो है वो इबादत की तरफ इन क्या आप क्या रो रो कर क्या दुआ कर रही थी बहुत बहुत खतरनाक है अल्लाह हमारे गुनाहों को दर्द करता है आमीन 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 हम सब पर रहम करो आमीन भुण आमीन, भुण। आमीन बार बार मदीने पाक की हाजरी दे अल्लाह बार बार Allah, आपको मदीने पाक की हाजरी दे अल्लाह ताला जन्नत बकी में जगह नाइस फरमा दे अच्छा चले Allah, अब सब मिलकर क्योंकि ये बड़ी बरकत वाली बात होती है अगर किसी की भी दुआ कबूल हो वो कबूलियत की घड़ी होती है तो इस वक्त आप अपने दिलों में दुआ करें और साथ में आमीन कहें जो भी आपके दिल में दुआ है और साथ में ये जो मेरी अम्मा है क्या नाम है आपका नामदा बीबी खालदा बीबी को मुबारकबाद दें क्योंकि ये उम्रे पर जा रही हैं इनशाला इन शस बस 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 Allah. बस, बस Allah. मैं कब से आपको देख रही थी जब मैं यहाँ उठ के गई मैं उस वक्त से देख रही थी कि आप कितना रो रही हैं बस खालदा बीबी अब आपने

अल्लाफु उन करीम उनब्बल व फ़ाफ अन्ना याफ़ूर या ग़फ़ू या ग़फ़ू या ग़फ़ूर यामिन हमारे सगीर कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा आमीन आज की शब के सदक़े मोला करीम अपने हबीब अल हबीबल नबीबलाम की वसीला जलीला से हमारी तमाम कोताहियाँ मोलाए करीम उम्मत की तमाम कोतहियों को, को माफ फरमा दे मोलाए करीम हमारे मां बाप हमारे शिदार जो इस अजीज व वारिब जो इस दार फ़ानी से रहलत कर गए मोलाए करीम तमाम को गरीक रहमत फ़रमा आज की रात को मौए करीम हमारे कदर बना दे मौल करीम हमारे दिलों के अंदर अखलाक हसना के, के उन बुनियादी पैमानों को मौलए करीम उजागर फरमा दे हसद से बुग से रियाकारी से कीने से झूठ से निफाक से तकबर से मौलए करीम ये तमाम अखलाक रजीला से हमारी तबीयतों को पाक फरमा दे मौल करीम सच्चाई अमानत सदाकत इनके सारी और तोज़ों वाली तबीयत मौलए करीम हमारी मुकर फरमा दे मोाय करीम हमें पाबंदी के साथ जब तक हम जिंदा हैं शरीत मतारा की पाबंदी अता फ़रमा दे crawl... आज की शब के सबके मोाय करीम जो बीमार उन्हें शफा कामिलता फ़र्मा हमारी माएँ हमारी बेटियाँ हमारी बहनें हमारे बुजुर्ग हमारे बच्चे जो बीमार हैं मोला करीम शफा कामिल आज लाता फ़रमा जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा जो बेलाद उन्हें साहबी औलाद फरमा दें मोय करीम उनके औलाद को उनका फरमा दे। बरदार बना दें जो मोलाए करीम औलाद में बच्चियाँ रखते हैं सालिंद के सबके मोलाए करीम नेक और पाकिज़ा रिश्ते अता फ़रमा दे मोलायक करीम जिनकी बच्चियाँ खैर से अपने घरों को गई दोनों खानदानों की इज़्ज़त अता फरमा दे तमाम पर खास फजल फरमा आज की मुबारक रात है और यह दिन है कि जिस दिन तूने अपनी नेमतों में हुजूर के सदके मुसलमानों को एक नेमत पाकिस्तान की सूरत में अता फरमाई या हिलमिन इस मुल्क को सलामती अता फ़रमा मोलाए करीम इसके सब जिली परचम को इसी तरह अजा फ़ा के सरबुलंद रख इसकी नजरियाती और इसकी अखलाकी सरहदों की हिफाज़त फरमा मोाय क़रीम इस मुल्क के तमाम इदारे और आम लोगों की मोलाए करीम हिफाज़त फरमा जलजलों से सैलाबों से गर्मी के अजाब से इस मुल्क को तमाम आलम इस्लाम को मोाय करीम महफूज़ फरमा मोलाए करीम जब तक हम जिंदा रहने इस्लाम पे सबित कदम रख मरत बक्ल में तोफ़ी का तय फरमा कल कल क़्यामत के दिन अपने महबूब की अजमतों वाली शफात ता फ़रमा

सत्ताईसवीं शब की जो नशरियात अपने अख्तितम को पहुँच रही है बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ आमदी सैद मुज़फ़र हुसैन शाह कदरी साहब आपने अपने कीमती वक्त से आप यहाँ पर आए हमारे लिए वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया शेख तारिक अहमद शाजरी साहब आपका इमरान शेख अतारी साहब आपका मुफ्ती इमरान लहक कल्याणवी साहब आपका असद मदनी भाई आपका बहुत शुक्रिया और जितने यहाँ पर हाजरीन बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम लोग चार लोग जो खुशनसीब हैं जिन्हें गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने उम्रे के टिकट दी है गनी बिल्डर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे काम के लिए एक सहूलत लोगों के लिए और इतने नेक काम के लिए उन्होंने ये टिकट्स दिए आप वो तमाम चारों ख़ीन जो जा रही हैं इन शुमे पर और आपके साथ जो जो जा रहे हों ज़रूर उनके लिए पैगाम है कि आपने हमारे लिए बहुत दुआ करनी है आपने हमारा सलाम अर्ज़ करना है रोज़ा रसूल पर जब भी आप जाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है नाजरीन कराम सहन नशरियात और तमामी ताकरत की नशरियात अपने अख्ताम को पहुँची लेकिन इन आज आपसे मुलाकात होगी सत्ताईसवीं शब को जहाँ बेपनाह बरकतें और नमतें हैं हमारे लिए उसी सत्ताईसवीं शब को एक सबसे बड़ा इनाम हमें मिला और वो इनाम था पाकिस्तान मुमलिकत खुदादात जिसमें हम आज़ादी से जी रहे हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज की जो सत्ताईसवीं की अवतार ट्रांसमिशन है इन पूरी पाकिस्तान के नाम और आप देखेंगे आपको प्यार हो जाएगा अपने इस मुल्क से जब हम आपको मुख्तलिफ़ पहलुओं से बताएंगे कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या कुछ किया इस मुल्क ने हमें क्या कुछ दिया लेकिन हम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके आज 27 रमज़ान मुबारक की अफ्तार नशियात जियो टेलीविज़न स्क्रीन हरी भरी दिखेगी आपको इन तो हम जा रहे हैं इस ट्रांसमिशन के अख्ताम पर लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सब मेरे साथ वो नारा लगाएं जिस नारे के दम पर हम बहुत खुशी से सर उठाकर पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद